दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर के अंदर बैठे हो और उसी वक्त घर पे बैठे बैठे ही आप अपने दोस्तों के साथ कहीं दूर घूमने जा रहे हो, उसी वक्त आप घर पे बैठे बैठे अपने कोलीग्स के साथ कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उसी वक्त घर पे बैठे बैठे अपनी फैमिली के साथ आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने ये सभी चीज़ें हॉलीवुड मूवी में देखी हैं, लेकिन हमें ये लगता था कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद मेटावर्स इन चीज़ों को पॉसिबल कर सकता है। तो आज हम मेटावर्स की बात करेंगे कि क्या चीज़ है ये, क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है और क्या क्या हमें इस चीज़ से बेनिफिट होगा और क्या क्या हमें इस चीज़ से नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अब जानिए टेक्नोलॉजी की बात टेकआईकी के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेटावर्स क्या है। आपने यूनिवर्स तो सुन रखा होगा, जहां पर आप एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हो और जहां पे अब आप फिलहाल रह रहे हो, लेकिन जो मेटावर्स है ये इस यूनिवर्स का कॉपी पेस्ट है। जो आप अभी फिलहाल देख रहे हो वो है रियलिटी, लेकिन जो मेटावर्स के अंदर होगा वो होगा वर्चुअल रियलिटी, यानी कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक्चुअली में है तो डेटा है, यानी कि वो वर्चुअल है, लेकिन वो प्रॉपर जो आप देख रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो ही मेटावर्स के अंदर कॉपी पेस्ट हो रखा है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये एक्चुअली नई टेक्नोलॉजी है, तो जब कोई भी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसे इवॉल्व तो करना ही होता है। तो अब मेटावर्स एक इवॉल्व्ड वर्जन है हमारे प्रीवियस टेक्नोलॉजी का, और साथ ही में मेटावर्स को बनाने का एक और रीज़न ये है कि हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ डर होता है जिससे हम दूर भागना चाहते हैं और एस्केप ढूंढते हैं, और जो मेटावर्स है यही हमारा एस्केप है। और चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मेटावर्स अब क्या है और कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप घर पे बैठे हो लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने कलीग्स के साथ कहीं मीटिंग में बैठे हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसे में यहाँ पर मेन रोल आता है आपके एवेटार्स का। तो एवेटार्स आपको शायद पता हो, आप में से काफ़ी लोग स्नैपचैट तो चलाते ही होंगे, और उसमें आपको जो भी बिटमोजी आपका कस्टमाइज देखने को मिलता है वो आपकी शक्ल के साथ थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है, आपकी शक्ल के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, तो वो होता है एवेटार, जिससे आप चेंज भी कर सकते हो उसका कलर्स, उसके बॉडी को और उसके कपड़ों को भी आप चेंज कर सकते हो। अब मेटावर्स के अंदर 3D एवेटार देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही आपकी कॉपी होगा। जो आपको एवेटार अब देखने को मिलता है वो होता है 2D, और वो बिल्कुल कॉपी नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपसे रिजेंबल करता है, लेकिन जो आपका मेटावर्स के अंदर 3D एवेटार होगा वो प्रॉपर एक ह्यूमन की तरह दिखेगा, 3D एवेटार होगा और बिल्कुल ही आपकी तरह होगा, आपका कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हो। आपका जैसे अगर आप मोटे हो तो आपको लगता है कि मैं अपने एवेटार को मोटा नहीं दिखाना चाहता, तो आप उसे पतला भी कर सकते हो, और जैसे आपको कपड़े चेंज करने हैं वो भी आप कर सकते हो। अब बात ये आती है कि जो मेटावर्स है, जो नकली दुनिया है, उसके अंदर आपका जो एवेटार होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे असली दुनिया के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, वैसे ही नकली दुनिया के अंदर आपका एवेटार एग्जिस्ट करेगा। अब जो काम आप करोगे वही काम आपका एवेटार करेगा। जैसे आपने हाथ उठाया तो आपका एवेटार भी हाथ उठाएगा। जो आपका एवेटार देख रहा है नकली दुनिया के अंदर, मेटावर्स के अंदर, वही आपको दिखेगा आपके VR हेडसेट के अंदर। तो काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं VR हेडसेट्स वाली, और आपने शायद देख रखी होंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसी वीडियोस। यहाँ पर लोग अपने VR हेडसेट्स को पहनकर गेम्स खेलते हैं। तो अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ BGMI की या PUBG की, तो जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर जो भी हमारा प्लेयर होता है वो एक्चुअली में खेल रहा होता है। अगर हम गन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो वो गोली फायर करता है, लेकिन जब हम मेटावर्स के अंदर बात करते हैं इन सभी चीज़ों की, तो यहाँ पर चीज़ें कुछ बदल जाती हैं। अब आपका जो एवेटार है वो आपकी तरफ से खेलेगा, लेकिन आप एक्चुअली में उस गेम को खेलोगे। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए आपने अपना VR हेडसेट पहन रखा है, अब जो आपका एवेटार देखेगा वो आपको VR हेडसेट के अंदर दिखेगा। अब आप गेम खेल रहे हो तो बाकी जो आपके साथ वाले प्लेयर्स हैं और आपके जो ओपोनेंट्स हैं और जो भी मैप के अंदर जो
दिखती हैं चीज़ें आपको, जो सभी चीज़ें गेम के अंदर दिखती हैं वो आपको वीआर हेडसेट के अंदर दिखेगा। और जैसे आपने गोली फायर की है तो आपका भी एवेटार गोली फायर करेगा आपके ओपोनेंट की तरफ, तो जो काम या जो हाथ आप हिलाओगे, जो बोलोगे, वो ही आपका एवेटार काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने गोली वाले बटन पर क्लिक किया तो गोली फायर होगी, आप खुद गोली चलाओगे तभी गोली चलेगी। आप एक्चुअल लाइफ के अंदर गोली नहीं चलाओगे, लेकिन आप एक्शन वो करोगे गोली चलाने का, और जो गोली चलेगी वो वर्चुअल दुनिया के अंदर चलेगी, यानी कि मेटावर्स के अंदर। आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करता है। आप बैठे अपने घर के अंदर हो वीआर हेडसेट पहनकर, लेकिन उस टाइम पर आप एक्चुअल में उस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो, आप उस गेम के अंदर चले गए हो प्रॉपरली, और आपको वही चीज़ें दिख रही हैं और वही चीज़ें आपको फील हो रही हैं जो आपका जो प्लेयर है वो देख सकता है या फील कर सकता है। तो अभी तो फिलहाल हम देख सकते हैं, फील वाली चीज़ें बाद में आएंगी, क्योंकि अभी मेटावर्स काफ़ी इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये इवॉल्व होगा तो शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपकी बॉडी को प्रॉपर वो चीज़ें फील होने लग जाएं जो आपका एवेटार फील कर सकता है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप घर पर बैठे हो और आपको अपने बॉस का मैसेज आता है कि हमने US में मीटिंग के अंदर जाना है, तो अब दो ऑप्शंस है, या तो आप खुद फ्लाइट के अंदर जाओ मीटिंग करने, या फिर आप जूम मीटिंग से घर पर बैठ के ही मीटिंग कर सकते हो। लेकिन तब क्या होगा कि अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें, अगर आप घर पे भी बैठे हो और आपको यही फील हो कि आप मीटिंग के अंदर भी वहाँ पर बैठे हो, तो ये कैसे होगा? तो अब आप वही चीज़ें रिपीट करोगे, अपना वीआर हेडसेट पहनोगे और अपने एवेटार को रेडी करोगे जैसे आप रेडी होगे। अब मान लीजिए आपने सचमुच जाना होता तो आप प्रॉपर सूट पहनते, प्रॉपर रेडी होते, तो वैसे ही आप अपने एवेटार को रेडी करवाओगे, उसके लिए सूट परचेज करोगे। अब जो आप परचेज करोगे चीज़ें और जो आप चीज़ें सेल करोगे वो एक्चुअली में असली पैसों से करेंगे। जो भी चीज़ें हैं मेटावर्स के अंदर वो सभी वर्चुअल हैं, लेकिन जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो एक्चुअल मनी की होगी। और इसके अंदर एक और ट्विस्ट है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो INR या USD के अंदर या किसी भी करेंसी के अंदर ऐसी नहीं होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगी, और वो भी कुछ गिनी चुनी क्रिप्टो करेंसीज, सभी नहीं होंगी। और अब आप अपने एवेटार के लिए सूट परचेज करते हो, अपने एवेटार के लिए शूज़ परचेज करते हो, और अपने एवेटार को प्रॉपर कटिंग करवाते हो उसके बालों की, और सब कुछ आप उसे रेडी करवा लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो एवेटार है वो जाएगा वहाँ पर मीटिंग के अंदर। तो अब कुछ ऐसा होगा कि आपने अपना एवेटार रेडी कर लिया, आपके सभी कोलीग्स ने अपने अपने एवेटार्स रेडी कर लिए, सभी कोलीग्स अपने अपने घर पर बैठे हैं लेकिन अपने एवेटार्स उन्होंने रेडी कर लिए हैं। और अब जब हमने मेटावर्स के अंदर जाना है तो कहीं तो हम मीटिंग करेंगे, अगर हमने एक्चुअल दुनिया के अंदर मीटिंग करनी है तो हमें कोई ऑफिस चाहिए ना, तो वैसे ही हम मेटावर्स के अंदर भी कोई पहले ऑफिस परचेज करेंगे। जैसे जिस कंपनी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है वो कंपनी मेटावर्स के अंदर पहले ज़मीन खरीदेगी और वहाँ पर ऑफिस क्रिएट करेगी, और उसके बाद वहाँ पर सभी कोलीग्स जाएंगे मीटिंग करने के लिए। अब जो आपका अवतार होगा वो जब जाएगा मीटिंग के अंदर तो वो सभी कोलीग्स के एवेटार्स को देखेगा, लेकिन जो वो एवेटार्स होंगे इतने ज़्यादा रियल होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं कि आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो, आपको प्रॉपर यही लगेगा कि आप उस रियल मीटिंग के अंदर बैठे हो। तो ऐसे सब कुछ काम करता है मेटावर्स के अंदर, मतलब कि होगा सब कुछ वर्चुअल लेकिन होगा सब कुछ रियल, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। यानी कि आप उस समय एक्चुअली में थे तो मीटिंग के अंदर ही, लेकिन रियलिटी के अंदर आप अपने घर पे अंदर बैठे थे। जो वीआर हेडसेट होगा उससे आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा, और शायद मेटावर्स जब थोड़ा डेवलप हो जाएगा तो आपके लिए कोई ऐसा सूट क्रिएट हो जाए जिसके अंदर सभी सेंसर्स लगे हों, और जब आप मान लीजिए आप हेलो मिला रहे हो, यानी कि एक्चुअली में आपका जो एवेटार है वो हेलो मिला रहा है, तो जब हम हाथ मिला रहे हैं तो हाथ का कॉन्टैक्ट होगा, हाथ टच होंगे, तो जो हमें फीलिंग आती है हाथ टच होने की, जो हम फील कर सकते हैं, वही आपको एक्चुअली में फील होगा। आपका एवेटार एक्चुअली में हेलो मिला रहा है, लेकिन आपको घर पे बैठे बैठे आपके हाथों पर फील होगा कि आपने हेलो मिलाई है। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी डिमांड करता है ऐसी चीज़ें, तो ये अभी इन चीज़ों को टाइम लगेगा, लेकिन जो आप देख सकते हो, जो सुन सकते हो, वो तो अभी आपके पास एक्चुअली में अवेलेबल है, यानी कि वीआर हेडसेट आपके पास अवेलेबल है। तो अब बात आती है कि इससे हम पैसे कैसे कमाएं। H&M को लगा है कि शायद मेटावर्स काफ़ी बढ़िया चीज़ है और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी जल्दी ग्रैब कर लिया है। और अब देखिए,
मैंने जैसे कहा था कि आप मीटिंग में जाओगे तो कोई फॉर्मल कपड़े तो या निक्कर पहन के तो नहीं जाओगे ना, आप प्रॉपर सूट खरीदोगे और वो सूट आप अपने लिए थोड़ा खरीदोगे, आप अपने एवेटार के लिए खरीदोगे, तो जो वो कपड़े होंगे वो भी वर्चुअल होंगे और अपने एवेटार के लिए खरीदोगे, लेकिन पे आप उन कपड़ों के लिए रियल में करोगे। तो वर्चुअल शॉप आ गई H&M की, तो आप H&M से कपड़े खरीदोगे। अब धीरे धीरे और क्लोथिंग ब्रांड्स भी आ सकते हैं, या आप कि अगर कपड़ों की शॉप है तो आप वर्चुअल मेटावर्स शॉप क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपकी भी शॉप है, ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है, आप अपनी भी शॉप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो काम हम रियल लाइफ के अंदर करते हैं वो हम मेटावर्स के अंदर करेंगे। अब आप डिसेंट्रलैंड या सैंडबॉक्स जैसी वेबसाइट्स के अंदर अपनी लैंड परचेज कर सकते हो और वहाँ पे अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी कलेक्शंस ऐड करो, कपड़े ऐड करो, और जब मेटावर्स धीरे धीरे इवॉल्व होगा तो लोगों के जो एवेटार्स होंगे वो कपड़े खरीदने आएंगे। अब H&M के ऑब्वियसली थोड़े महंगे होंगे क्योंकि वो ब्रांड है। अब आप अगर लोकल शॉप रियल के अंदर लोकल शॉप है आपकी और वहाँ से आप सेल करते हो, तो आप मेटावर्स के अंदर भी लोकल शॉप क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे H&M से थोड़े चीप प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो जैसे हम रियल के अंदर काम करते हैं वैसे ही हम मेटावर्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की ही बात नहीं है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। जो आप रियल के अंदर कर रहे हो, जो काम आज आप कर रहे हो रियलिटी के अंदर, वही काम आप मेटावर्स के अंदर भी कर सकते हो। अगर आप स्कूल टीचर हो तो आप अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, लैंड बाय करके इंस्टीट्यूट खोलो, या जरूरी नहीं है बाय ही करना है, वहाँ पे लैंड्स रेंट के ऊपर भी मिलती हैं। आप थोड़ा एक्सप्लोर करो डिसेंट्रलैंड वेबसाइट को, सैंडबॉक्स वेबसाइट को, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आप रेंट पे ले लो उस जगह को और वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट खोलो और वहाँ पे सिखाओ लोगों को। जितने भी बिजनेसेस हैं जो आज रियल लाइफ के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अगर मेटावर्स के अंदर आ जाएंगे अभी से तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि अभी लैंड के प्राइसेस कम होंगे। ऑब्वियसली जब डिमांड होती है तो लैंड के प्राइसेस हाई जाएंगे या किसी भी चीज़ के हाई जाएंगे। धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी भी अप हो जाएगी, क्योंकि जो मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं सेल और परचेज के लिए। तो अभी से अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ जो मेटावर्स से रिलेटेड है उनको होल्ड करके रखो, उनमें इन्वेस्ट करो, तो आपको बाद में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। या फिर जो कंपनीज अभी मेटावर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं या जो क्रिएट कर रही हैं मेटावर्स को, उनके स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मेटावर्स काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है और हमें ज़रूर पता है कि जो भी मेटावर्स के अंदर आएगा वो बढ़िया ही होगा और काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और जो कंपनीज होंगी इन चीज़ों को डेवलप कर रही हैं वो भी काफ़ी ग्रो करेंगी मेटावर्स को क्रिएट करने के बाद, तो ऑब्वियसली उनके स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होंगे, तो ऐसे में आप उन चीज़ों को भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, आप अपनी खुद से रिसर्च करो और चेक करो कि किस चीज़ में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि किस किस चीज़ से आप पैसे अर्न कर सकते हो। और साथ ही में आप अगर लैंड खरीद रहे हो वर्चुअल लैंड मेटावर्स के अंदर, तो वहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो लोगों के लिए। वहाँ पर आप बोर्ड लगा दो, अपना कोई ऐसी वॉल खरीद लो, अपना कोई लैंड खरीद ली, वहाँ पर वॉल क्रिएट कर दी और वहाँ पे लोगों की एडवर्टीजमेंट्स आप सेल कर रहे हो। और साथ ही में आप NFTs भी क्रिएट करके मेटावर्स के अंदर सेल कर सकते हो। NFT के ऊपर मैंने वीडियो बनाए रखी है कि क्या चीज़ है, और अगली वीडियो में शायद बना दूँ। मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्रिप्टो बाय करने में, तो अगर क्रिप्टो बाय हो जाती है तो मैं आपको यही लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि NFT कैसे सेल करते हैं और उससे पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। तो अब दोबारा हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि मेटावर्स से अब क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, बढ़िया इफ़ेक्ट तो ये होगा कि अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है या ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बच जाएगा। जब हम घर पे बैठ के ही मीटिंग कर सकते हैं, एक्चुअली में घर पे बैठ के हम दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, घर पे बैठ के हम मूवी देख सकते हैं फैमिली के साथ, घर पे बैठ के हम कहीं पर भी जा सकते हैं और हमें ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें फ़्लाइट टिकट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रेन में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बच जाएगा, हमारा जो टाइम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टाइम है वो बच जाएगा, हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। क्योंकि जो एक्चुअली में अब धरती है, जो भी वर्ल्ड है, वो एक्चुअली में वो कॉपी पेस्ट होगा वर्चुअल या मेटावर्स के अंदर। तो अब हम कहीं पर भी जाएंगे और हमें सिर्फ VR हेडसेट की ज़रूरत है और अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बच जाएगा। लेकिन जो लोग
अब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी शायद जॉब्स जा सकती हैं। तो अभी टाइम है कि अगर आप मेटावर्स के अंदर स्विच कर जाओ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर बात करूँ बैड इफ़ेक्ट्स की, तो अभी तक जो मुझे लगा है बैड इफ़ेक्ट यही होगा कि वीआर हेडसेट को यूज़ करने से आपकी आइज़ पर इफ़ेक्ट होगा। अब देखते हैं कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है तो शायद टेक्नोलॉजी ऐसे वीआर हेडसेट्स भी क्रिएट करे जिससे कि हमारी आँखों को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो अब मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मेटावर्स आने के बाद क्या क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे या क्या क्या बुरे इफ़ेक्ट्स होंगे। आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्या आपको लगता है। तो दोस्तों अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे एक और आइडिया आया है कि आप अपने दो वाइफ्स रख सकते हो, एक अपनी रियल दुनिया के अंदर और एक अपने मेटावर्स के अंदर। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हम आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे और आपका नेट पर खर्चा रहेंगे। धन्यवाद।